गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपका एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट बिट देखेंगे। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसको जो है तो हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना है, सबसे पहले हम स्टेप में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब देखो ये जो फॉर्मूला है, डेरिवेटिव का जो फंक्शन है, हमने देखे थे लास्ट टाइम। देखिए कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे देखो क्या है कॉस है, ये पूरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अपने लिए एक्स है ये ब्रैकेट, क्या ये पूरा एक्स है, तो कहेंगे यहाँ पे माइनस साइन एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब एक्स क्या है, ये पूरा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका लेंगे हम डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स ऑफ क्या लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या आता, टू एक्स आता, राइट है ना, वो लास्ट टाइम हमने देखे थे। टू एक्स यहाँ के लिखेंगे हम टू एक्स, और अल्फाबेट कंसिडर नहीं करते, ऐसा नहीं है क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, जो फॉर्मूले दिए हुए डेरिवेटिव के वही कंसिडर करना पड़ता है, ए स्क्वायर एज इट इज है उसको कांस्टेंट समझ के छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर इस तरीके से, अब ये टू एक्स को आगे ले लो डी वाई बाय डी एक्स माइनस साइन एज इट इज रखो, टू एक्स यहाँ पे आएगा इन टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके, सेकंड है रूट में टी रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव। अब देखो ये कौन से फॉर्मूले पे, बाय रूट एक्स, ये पूरा रूट में ना, तो ये क्या होता है इसका डेरिवेटिव टू टाइम रूट एक्स। तो हम ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे हम देखो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू टाइम इक्वल टू यहाँ टू टाइम रूट ए रेस टू ब्रैकेट में थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव। अब निकलेंगे डी वाई बाय डी एक्स किसका, अगेन ए रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव। ओके, नाउ वन अपॉन टू टाइम ए रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव। ओके, अब क्या निकलेगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कैसा, ये फॉर्मूला देखो ई रेस टू एक्स हमने देखे, ई रेस टू एक्स किधर गया, फंक्शन का फंक्शन डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, हाँ ये रहा देखो ई रेस टू एक्स रहा तो एज इट इज रहता, राइट एज इट इज रहता ना, तो ये ई रेस टू एक्स है, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव ई रेस टू थ्री एक्स प्लस फाइव एज इट इज रहेगा, राइट। ओके, अब फाइव क्या है, फाइव कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा वो जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू जीरो था। अब इसका डेरिवेटिव निकलेगा डी वाई बाय डी एक्स ऑफ थ्री एक्स प्लस टू। ओके समझे, लिख लेता मैं इसके लिए ई रेस टू इक्वल टू रेस टू एक्स। ओके, रीजन दे दिया हमने, नेक्स्ट वन अपॉन टू टाइम ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव इंटू ई रेस टू थ्री एक्स प्लस फाइव। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये टू तो कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा थ्री एक्स, अब एक्स जो रहता है वो कंसिडर नहीं करते, वेरिएबल को छोड़ देना पड़ता, क्या बचा फिर थ्री, तो मल्टीप्लाई में क्या रहेगा थ्री रहेगा, क्या रहेगा थ्री। तो अब क्या करेंगे, थ्री को मैं इधर ला लेता इक्वल के इधर, सॉरी इधर इधर मल्टीप्लाई में सबके, तो थ्री बाय टू मल्टीप्लाई ये ई रेस टू थ्री एक्स प्लस फाइव बन जा ई रेस टू थ्री एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, और अपॉन में ई रेस टू थ्री एक्स प्लस टू प्लस फाइव हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, ये थ्री है, यहाँ पे लिख लेता मैं एक बार
डी वाई बाई डी एक्स 3/2 इंटू ए रेस टू 3x प्लस 5। अच्छा ये 2 है, सॉरी 2 2, तो यहाँ जाएंगे रिस्ट्रिक्ट 2 अपॉन में रूट ए रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ओके, थर्ड है लॉग टेन ऑफ एक्स अपॉन 2। अब ये जो है तो कौन से फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूले बाय लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये लॉग है, ये पूरा ब्रैकेट एक्स है, तो क्या है 1 अपॉन एक्स, तो हम ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन टेन एक्स बाय 2। अब आएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अभी डी वाई बाई डी एक्स किसका निकलेगा, टेन एक्स बाय 2 का। ओके, अब यहाँ पे देखो, लास्ट लेक्चर में हमने जो है तो सीखे थे टेन, टेन का वैल्यू क्या था, देखो लास्ट लेक्चर में देखे थे हमने टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 अपॉन टेन 1/2 है, यानी क्या 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 अपॉन टेन थीटा है जैसा कि हमारे क्वेश्चन में, तो इसकी वैल्यू कॉट थीटा आएगी। अब थीटा क्या अपने लिए एक्स बाय 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा क्या है एक्स बाय 2 है डेरिवेटिव। अब ये इसकी वैल्यू थी, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये जो थी तो ये टेन की वैल्यू ही आई, लेकिन डेरिवेटिव क्या है इसका, डेरिवेटिव देखो यहाँ पे, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है टेन एक्स, क्या आता सेक स्क्वायर एक्स आता, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या निकलेगा टेन है, तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर, अब एक्स बोले तो क्या है एक्स बाय 2 है। ओके ठीक है, अब जो तो डेरिवेटिव निकलेगा ये एक्स बाय 2 का, डी वाई बाय डी एक्स एक्स बाय 2, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता मैं रीजन, रीजन में क्या है 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड डेरिवेटिव, ये तो डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। ओके, कट कर देंगे आपको, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डेरिवेटिव, ये क्या होगा देखो एक्स बाय 2 यानी क्या 1/2, कैसा 1/2, इधर देखो सपोज फॉर्मूला क्या है, कॉट मतलब क्या होता है, ये टेन बोले तो साइन अपॉन कॉस, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल रहता, देखो टेन मतलब साइन अपॉन कॉस, तो कॉट बोले तो क्या कॉस अपॉन साइन, तो हमारे पास कॉट है कॉट, तो क्या लिखेंगे इसको, लिखेंगे साइन थीटा यानी एक्स बाय 2 अपॉन सॉरी कॉस थीटा है, कॉस थीटा डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2 यानी हमारा थीटा, उसके बाद साइन थीटा यानी एक्स बाय 2 ये हमारा थीटा। ओके, इन टू सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर मतलब क्या आता 1 अपॉन कॉस थीटा, देखो सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है, क्या आएगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 राइट इंटू 1/2, ठीक है। अब देखो ये कॉस एक्स बाय 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये कॉस कितने बार है 2 टाइम्स है और यहाँ पे 1 बार है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें कितनी बार बचा, एक बार बचा था, मैं लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
वन अपॉन साइन एक्स बाय टू इंटू वन अपॉन कॉस एक्स बाय टू इंटू वन बाय टू। ओके अब क्या होगा, अब देखो हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन सबका। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन इंटू वन, वन अपॉन साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू। अब ये टू है इधर है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे, राइट है ना, मल्टीप्लाई में चाहे वो। अब ये फार्मूला है, क्या फार्मूला है, फार्मूला ये है कि जब मैं लिखता टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहता तो क्या आता, ये साइन टू थीटा आता, क्या आता साइन टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा आता। अब देखो ये टू, ये साइन थीटा एन एक्स बाई टू इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या साइन टू थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन टू टाइम एक्स बाय टू। ओके अब योगा इसका रीजन, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन क्या होता है, वन अपॉन साइन यानी वन अपॉन कोसेक थीटा, क्या होता है वन अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो हम यह लिखेंगे वन अपॉन, पहले तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, टू टू कैंसिल हो गया, क्या बचा भी वन अपॉन साइन एक्स, यानी क्या वन अपॉन साइन एक्स यानी कोसेक एक्स, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हुआ है डेरिवेटिव। ओके इसका आंसर ये है। Now, y equal to what? Root 10 in root x. मतलब कौन सा फॉर्मूला ये by root x, that is 1 upon 2 time root x. हम यह लिखेंगे differentiate with respect to x. तो क्या है यहाँ पे dy by dx equal to 1 upon 2 time tan रूट में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या निकलेगा अब tan रूट एक्स। नाउ क्या लेंगे अब हम tan रूट एक्स, चलो ये एज इट इज लेंगे वन अपॉइंट टू tan रूट एक्स इंटू, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव tan का क्या है, tan का था sec स्क्वायर, अभी लास्ट टाइम देखे हमने, देखो कंपोजिट फंक्शन है, टेन का क्या था सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू अगेन डी वाई बाई डी एक्स। अब किसका निकलेगा, एक्स का जो डेरिवेटिव निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे रूट एक्स, ठीक है, वन अपॉन टू टाइम टेन रूट में एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट में एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन अपॉन टू टाइम रूट एक्स, वन अपॉन टू टाइम रूट एक्स। ओके आप देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में टू टेन रूट में एक्स इंटू वन अपॉन टू टाइम रूट एक्स। अब ये टू टू जा रूट एक्स, टू टू जा फोर। ओके ये रूट एक्स यहाँ लगा दे मल्टीप्लाई, ये बचे वाला टेन रूट एक्स, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसका लिख देंगे डी बाई बाय डी एक्स। ओके ठीक है, इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। Now, cot cube log x cube, which the Yugik's formula x raised to n,
बाय एक्स रेस टू एन इक्वल टू क्या होता है, एक्स रेस टू एन, ये एन इधर आ जाता है माइनस वन, ओके। सो ये फॉर्मेट पे आइए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रूल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये थ्री आगे आ जाएगा कॉट थ्री माइनस वन, ओके। अब ये एज इट इज दिखना है, लॉग एक्स क्यूब देन डेरिवेटिव लेना है इसका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ओनली अब किसका लेंगे ये कॉट पूरा, क्योंकि ये एक्स थ्री जो था एक्स था सबका, तो यहाँ क्या आएगा कॉट लॉग एक्स क्यूब, ओके ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम थ्री कॉट थ्री माइनस वन टू, उसके बाद लॉग एक्स क्यूब कॉट, कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉट का डेरिवेटिव आता है आपका कोसेक स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या आपका कॉट एक्स दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अभी ये माइनस लिखेंगे यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या है पूरा पूरा का पूरा क्या है लॉग एक्स क्यूब ये, ओके तो ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव निकलेगा, किसका डेरिवेटिव निकलेगा ये बचे बचे तो लॉग एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्यूब, ओके चलो। अब क्या होगा इसका, अभी लॉग एक्स है, लॉग एक्स इसका फॉर्मूला क्या बैठेंगे अपने को, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या है वन अपॉन एक्स, देखो लॉग एक्स यानी वन अपॉन एक्स, तो ये लॉग को क्या करना है वन अपॉन एक्स में इसका डेरिवेटिव निकलेंगे आगे, ओके। तो पहले हम ये लिख लेंगे एज इट इज थ्री कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, अब ये इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा लॉग एक्स यानी वन बाय एक्स, तो क्या होगा वन बाय एक्स क्यूब, क्योंकि यहाँ की क्यूब है इसलिए हमने क्यूब लिया, वरना क्या लेते थे एक्स लेते थे, क्योंकि अगेन अब क्या बचा, अब ये लॉग का होगा इसमें एक्स क्यूब बचा तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, नेक्स्ट थ्री कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब माइनस कोसेक लॉग एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब, अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये जो तो अपना ये फॉर्मूला है, ये आएगा ऐसा क्या आएगा ठीक है ना, डेरिवेटिव क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ नहीं मतलब वन राइट है ना, चलो अब यहाँ पे कितने एक्स है थ्री, यहाँ पे कितने एक्स है टू, तो ये टू एक्स कैंसिल टू एक्स कैंसिल, बचा कितना एक्स ओनली वन एक्स बचा, यहाँ पे कितना एक्स बचा ओनली वन एक्स, यहाँ लिखेंगे हम थ्री कॉट स्क्वायर इंटू लॉग एक्स क्यूब माइनस कॉस सेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू वन अपॉन एक्स, क्या बचा वन अपॉन एक्स बचा वहां पे ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब जो है तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है, मल्टीप्लाई कैसा करेंगे देखो ये थ्री है उसके बाद अच्छा ये मल्टीप्लाई में थ्री बचे हुआ है यहाँ पे, ये थ्री और थ्री कितना हो जाएगा नाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाइन, तो हम यहाँ लिखेंगे नाइन ठीक है, और ये डिवाइड का एक्स है तो उसकी डिवाइड में उसको लगा देंगे थ्री थ्री सा नाइन अपॉन एक्स कॉट स्क्वायर इंटू
लॉग एक्स क्यूब इंटू माइनस है ये माइनस सबके साथ ही लगेगा, ऐसा बाहर देने की जरूरत नहीं उसको, तो माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब ठीक है। तो ये इस तरीके से अब क्या करना, ये माइनस है तो माइनस को हम आगे ले लेंगे यहाँ पे राइट, यहाँ पे ये वाली साइड पे, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो अभी ये स्टेप में नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लेंगे हम उसको ठीक है। यहाँ लिख लेंगे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस नाइन बाय एक्स कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब ठीक है। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर हुआ। ये आपका फाइव एस टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री, कौन सा फॉर्मूला, देखो ए रेस टू एक्स सही है, क्या ये ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स लॉग ए, हम यहाँ लिखेंगे बाय ए रेस टू एक्स इक्वल टू एज इट इज लिखना है ए रेस टू एक्स, और क्या लगाना है लॉग ए लगाना है, क्या लगाना लॉग ए, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा फिर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स यानी फाइव रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग ए का वैल्यू क्या है फाइव है, तो क्या है एम फाइव, देन डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स ऑफ, अब किसका निकलेगा साइन क्यूब क्यूब एक्स प्लस थ्री राइट। अगेन ये कौन सा फॉर्मूला है, एक्स रेस टू एन साइन क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, पहले तो हम यहाँ लिख लेंगे फाइव रेस टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव, चलो अब इसका डेरिवेटिव निकलेगा क्या, कौन सा फॉर्मूला है ये वाला एक्स रेस टू एन, दैट इज एक्स रेस टू एन, ये इधर मल्टीप्लाई में आके यहाँ माइनस हो जाता है तो वैसा ही हो जाएगा ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, थ्री इधर आ जाएगा थ्री साइन थ्री माइनस वन ठीक है ना, प्लस अब क्या होगा ये प्लस, अब ये क्यूब का निकल गया, अब ये डी वाई बाय डी एक्स ऑफ ओनली क्या रहेगा आप साइन एक्स प्लस थ्री रहेगा ओके। चलो फाइव साइन रेस टू क्यूब एक्स प्लस थ्री, सॉरी प्लस थ्री यहाँ पे होना इंटू लॉग फाइव थ्री साइन स्क्वायर एक्स, अगेन अब डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव निकलता, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकलता है कॉस एक्स, कैसे तो ये ऐसे साइन एक्स का क्या निकलता कॉस एक्स, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉस एक्स, थ्री इज कॉन्स्टेंट दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू इज जीरो। अब क्या बचा, अब हमारे पास जो है तो कुछ भी नहीं बचा, और इसका जो तो हम आंसर लिख लेंगे सीधा सीधा, आंसर क्या है आप डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये जो है तो थ्री साइन स्क्वायर सामने ले लेंगे कॉस एक्स दोनों थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू फाइव एस टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव, ये आपका फाइनल आंसर है ओके ठीक है। सी नेक्स्ट है आपका कोसेक रूट में कॉस एक्स, अब ये फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला ये है cos x इक्वल टू माइनस cos x इंटू cot x, तो हम यहां लिखेंगे बाय cos x माइनस cos x इंटू cot x। अब x बोले तो क्या अपने लिए रूट cos x है, तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा माइनस cos x रूट cos x इंटू cot x, मतलब रूट cos x dy बाय dx। अब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या निकलेगा इसका बताओ, इसका निकलेगा डेरिवेटिव ये तो रूट dy बाय dx cos x, ये वाला ये इसका डेरिवेटिव निकलेगा cos x, ठीक है ना cos x। अब हम करेंगे यहाँ पे माइनस cos x इंटू cot cos x इंटू, अब देखो cos x का क्या निकलेगा, cos x का निकलेगा वन बाय, ये कौन सा फॉर्मूला है रूट x, रूट x का क्या है वन बाय रूट टू x, रूट x इक्वल टू वन बाय टू टाइम रूट x। क्या करेंगे हम यहां लिखेंगे वन बाय टू टाइम cos x इंटू डेरिवेटिव dy बाय dx, अब किसका निकलेगा ओनली जो बचेगा cos x, cos x है उसका निकलेगा, क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे cos x, चलो माइनस cos x cos x cot cos x वन अपॉन टू टाइम cos x, cos x की वैल्यू सॉरी cos x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा माइनस sin x, माइनस sin x, फॉर्मूले याद करो ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब जो है तो देखो ये sin x इंटू वन sin x हो जाएगा ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू cosec रूट cos x इंटू cot रूट cos x इंटू ये ऊपर का क्या हो जाएगा sin x इंटू sin x, और अपॉन में क्या चलेगा टू टाइम cos x, ये होगा आपका लास्ट का सेवंथ वाले का आंसर ओके। यहाँ ब्रैकेट नहीं है क्वेश्चन में, मैं ब्रैकेट दिया आपको समझना इसलिए ब्रैकेट हटा दो ठीक है, ये ब्रैकेट हटा दो ठीक है ओके, टेक्स्ट बुक में देख लो एक बार। तो इस तरीके से आपका आज का हमने सेवंथ क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का सेवंथ क्वेश्चन देखे, आप इसको पढ़ो, अगर कुछ नहीं समझे तो आप मुझे पूछ सकते हो ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।